नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की सब्जी बनाने वाले हैं और ये जो आलू की सब्जी है ये बिना प्याज और लहसुन की हम बनाने वाले हैं और ये फटाफट बनती है। सिर्फ आपको आलू उबाल के लेने हैं और उनका छिलका निकाल के उनको टुकड़ों में काटना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे आलू उनको काटा है। तो ये मेरे पास 3 आलू थे उबले हुए, इनको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में आप काट सकते हो, या तो आपको अगर चाहिए तो आप इसे लंबाई में भी काट सकते हो। तो अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। पैन अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 2 से 2.5 बड़े चम्मच, हमारा जो नाश्ते का चम्मच होता है उतना, मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। इस तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसे तड़का लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तेल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं राई डाल दूंगी। और राई में कितनी डालने वाली हूँ, 1/2 छोटा चम्मच, ज्यादा नहीं। राई छटकने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राई जो है वो हमारी अच्छे से छटक गई है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा छटकने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालने वाली हूँ। हींग की वजह से इसे एक टेस्ट आती है और आलू से किसी किसी को गैस होता है तो वो जो गैस की जो दिक्कत है वो कम हो जाती है अगर आप यहाँ पे हींग डालोगे तो। अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो मैं लो कर रही हूँ, बिल्कुल भी हमें इसे बड़ा नहीं रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च काट के ली थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 हरी मिर्च मैंने काट के ली है और ये कुछ धनिया के पत्ते हैं। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च यहाँ पे डाल रही हूँ, इसी के साथ धनिया भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और 1 इंच का अदरक मैंने लिया हुआ है। अब हम इसे ऐसे ही छन्नी से कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। साथ हमें पूरा का पूरा अदरक यहाँ पे नहीं डालना है, बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा अदरक यहाँ पे हम कद्दूकस करके डालने वाले। अब एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं हल्दी डालने वाली हूँ। हल्दी हमें कितनी डालनी है, 1/2 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको हल्दी नहीं डालनी है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप लाल मिर्च पाउडर डालते हो तो आपको यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो सब्ज़ी है ये सेम टू सेम आप लाल मिर्च की पाउडर डाल के भी बना सकते हो। तो एक बार मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ये जो उबले हुए आलू के पीसेस मैंने किए थे ये मैं डालने, और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है और थोड़ी सी शक्कर, 1/2 छोटा चम्मच शक्कर मैंने इसमें डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलू डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देखिए सारा मसाला इस आलू को कोट हो गया है और ये सब्जी फटाफट बनती है। सिर्फ आपको आलू उबाल के लेने हैं और बाकी का जो मसाला है अगर वो आप रेडी रखते हो तो ये सब्जी में टाइम भी नहीं लगता है। अब यहाँ पे ऊपर से मैं नींबू का रस डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 नींबू काट के उसका आधा वाला जो पार्ट है, आधा नींबू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसे मैं 1-2 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही रख देने वाली हूँ। 1-2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल देते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, हाथ में लेके पानी के मैं इसके ऊपर छींटे मार रही हूँ ताकि ये जो सब्जी है ये ज़्यादा ड्राई ना बने और ना ही ज़्यादा सॉगी बने, मतलब ना ही ज़्यादा पानी वाली बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी के छींटे मारने के बाद इसे मैंने फिर से एक बार अच्छे से चला लिया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो धनिया काट के रखा है ये धनिया में इसके अंदर, आप यहाँ पे गीले नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर गर्मियों के सीजन में अगर आप ये सब्जी बनाओगे तो गीले नारियल का बुरादा आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी के वजह से नारियल को एक खट्टापन आना चालू हो जाता है और वो खटास सब्जी में उतर जाती है और फिर हमारी जो सब्जी है वो खराब हो जाती है। तो ये हो गई है हमारी आलू की झटपट बनने वाली सब्जी रेडी। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। निकालने के पहले इसे मैं 1-2 मिनट के लिए गैस बंद है ढक के ऐसे ही रख देती हूँ ताकि जो मॉइस्चर है पानी का अंदर वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे अब 2 मिनट हो चुके हैं,
हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मॉइस्चर था वो भी कम हो गया है और जो सब्जी है वो भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और दोस्तों अगर आप तक आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और मेरा जो चैनल है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ दोस्तों वो आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। और लाइक बटन को हिट कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन को हिट कीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसे लाइक डोंट लाइक के बटन को आप उसकी हिट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी झटपट बनने वाली आलू की सब्जी रेडी। या आप इजीली टिफिन में बच्चों को दे सकते हो बना के। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर टिफिन के लिए बनाना है तो पहले रात को आप आलू उबाल के रखिए, उनका छिलका निकाल के उनको किसी एक डिब्बे में भर के रखिए। सुबह बस आलू काटना है, धनिया मिर्ची ये सब चीज़ें आप काट लो और इसको एक तड़का लगा लो और ये सब्जी एक 5 मिनट में रेडी हो जाती है। थैंक यू।